शांति नहीं मिलेगा जरूर भैया। और भैया आप जो कुछ कहोगे पूरा करूंगा। ये उतरा उदयराज कहा तुम्हारे हाथ में देता भैया। ये बदलाव हमारे मरने की खबर तुम्हें भेजकर किसने दिया भैया? आज की मरने की खबर जितना बाल बच्चा गए उसी के जरिए से मुझे खबर मिली भैया। मैंने इतनी बड़ी कल्पना उठा कि जब मेरे से रिस्क है छोड़ कर हाथी विधि बना कर मुझे चांद की
हम ये वादा करते हैं कि तुम अपनी आंखों से आंसू की धारा मत बहाओ। हर जन्म में हम तुम्हारा पति कहलाऊंगा। स्वामी मैं यही कैसे हमारे साथ तुम सती हो जाना। मैं जरूर सती हो जाऊंगा दादाजी। आज ये सिरसा का सिर नहीं रहा दादाजी। इस परिवार सब आप ही के सहारे दादाजी। ना जाने क्या बात है, ना जाने क्या बात है दादाजी कि मुझे कोई बुला रहा है दादाजी। आओ अब हम लोग यहाँ पर दिल्ली चले गए।
तो जा रहे हैं, हम लोग वापस दिल्ली जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अच्छा नहीं करोगे? आज से चक्र तब दिल्ली जाओ। मैं तो तुम्हें दिल्ली जाने दूंगा तब तक। क्या देखते तैयार? महाराज पृथ्वीराज चौहान है, है उदयराज हमारा है और तो सारा परिवार रो रहा है, तो और दूजे को मारूंगा तो सारा संसार। महाराज पृथ्वीराज चौहान कोई पहाड़ी का काम नहीं किया, अरे धोखे से तुमने मारा है और मैं सामने से मारूंगा। क्या देखते हो? महाराज पृथ्वीराज चौहान क्या कहा? एक को मारा सारा परिवार रोता था। एक को मारा है तो सारा परिवार रो रहा है। आज क्या होगा तुम्हारा? क्या होगा चौहान के तुम्हारे कब्जे में है। उधर आए जो इच्छा है वो कर सकते हो। तो महाराज पृथ्वीराज चौहान हम छत्री है, हम तुम्हारी प्रार्थना की सवार नहीं करते हैं और तुम इससे तुम्हारे हिरासत में हो। जो मैं कहूंगा वो हमारी शर्त पूरी हो जाएगी तो तुम्हें छोड़ दूंगा। कैसी तुम्हारी शर्त है? रोपाल मेरी पहली शर्त है। कैसी? ताहर चौहान की बेटी और तुम्हारी बेटी जिसका नाम त्रिवेणी है उसकी शादी हमारे बेटा तोहरन से पहले मंजूर या नहीं मंजूर? और कौन सी तुम्हारी शर्त है? और दूसरी शादी जो आपकी बेटी प्याला और मेरा भाई पर बहनंद उसका कहना है पहले मंजूर या नहीं मंजूर? और तीसरी शर्त यह है कि कभी आप धोखे से और कल्प से हत्या और सत्याग्रह पर टहल नहीं करेंगे। थोड़ी मोहलत दी जाए, मैं अपने बेटा ताहर को थोड़ा मशवरा कर लूं उसके भाग्य में, मशवरा कर लूं सलाह। बेटा ताहर क्या कहना चाहते हो? तुम्हें जो बोलिए बेटा ताहर ये बताओ तुम्हारी क्या राय है? हमारे कहने का मकसद ये है जो ये शर्त इस समय मंजूर करवा रहा है ये शर्त हम लोग यहाँ पर मंजूर कर ले, उसके बाद में जब ये बारात लेकर दिल्ली आएंगे उधर आए तुम्हारी शर्त मुझे मंजूर है मगर पहले मैं हाथ खड़ी खोल दे टीका का सामान ला जा, टीका का सामान ला जा और पहरन का सिर्फ तिलक है और पहर का चौहान एक हाथ का दस्तूर है कि जो बाएं हाथ से टीका चढ़ा रहे हैं बाया हाथ चलो आज हम भी गए जी हम भी गए। तुम्हारे यहाँ का दस्तूर है कि बाएं हाथ से जो टीका चढ़ाता है उसका हाथ कर लिया जाता है। ठीक है कोई बात नहीं है, हम लोग दाहिने हाथ से टीका